हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी उगादि। नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं। गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं आप सब लोगों को। आप सब लोग हमेशा खुश रहें, यही मेरी दिल से इच्छा है। मेरे प्यारे प्यारे सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स, आपको आज से सब लोगों को मैंने जैसे कि बताया था कि 11 तारीख से ही शुरू हो चुका है, तो आज तो और भी नया साल की शुभकामनाएं आपको देते हुए ये बताना चाहती हूँ कि अब से आज के दिन, एक्चुअली मैं सुबह से ही वीडियो नहीं बना पाई थी, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ फ्रेंड्स, लेकिन आपको ये कुछ बातें बहुत ध्यान में रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान में रखने वाली ये बातें ये है कि आज ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इस मोड में रखिए कि आप बिल्कुल जो भी कोई भी घर के लोग कोई भी कुछ भी बोले आपको, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आज नया साल है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी प्रकार का हमें जो है थॉट्स अच्छे अच्छे ही होने चाहिए, अच्छे 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 अच्छे, है ना। जबकि मैं हमेशा बताती हूँ कि हमें तो हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखने चाहिए, बट आज तो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आप लोगों के लिए कुछ उपाय भी बता रही हूँ यहाँ पे, और बहुत सारी चीजें इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ और कवर करने वाली हूँ। अब आज मॉर्निंग में मैं बता नहीं पाई थी, लेकिन अभी बता रही हूँ, अब से आज के दिन आप रेड रेड कलर का कोई भी कपड़ा अपने पास में रख लीजिए आज के दिन, क्योंकि आज रेड इज वेरी इम्पोर्टेंट। हो सके तो रेड कलर की चुन्नी अपने पास में रख लीजिए, ठीक है। रेड कलर का कोई भी, आप कोई भी ड्रेस पहने हो, अगर आपने ड्रेस रेड कलर की पहनी है तो बहुत अच्छी बात है। आज शाम को भी आप सब लोग पूजा करोगे, आप में से कितने लोगों ने कलश का स्थापना की ये भी मुझे जरूर बताइएगा। मैं थोड़ा सा अलग प्रकार से करती हूँ, आप किस प्रकार से करते हो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। तो लेकिन आज रेड कलर का जरूर ड्रेस धारण कीजिए, या फिर अगर नहीं पहना है, अगर आपने ड्रेस कलर का रेड कलर का ड्रेस, तो भी कोई बात नहीं, आप अपने पास में एक कपड़ा रख लीजिए रेड कलर का, या चुन्नी रख लीजिए, चुन्नी को ओढ़ के रख लीजिए आज के दिन, ठीक है। और आज कपूर का अगर आपके पास में ऑयल है तो उसका सुगंध ले सकते हो, या फिर कपूर जो हमारे घर में होता है उसकी, उसको थोड़ा सा मसल के उसको जो उसकी जो स्मेल आती है उसको अलग से ले सकते हो कपूर का। वैसे तो हम हर रोज पूजा में तो रखते हैं, वो नहीं बात कर रही हूँ, आप अलग से अपने पास में एक कपूर दिन में कभी भी एक बार उसका सुगंध जरूर ले। आज के दिन बहुत ही अच्छा पॉजिटिव थॉट्स और पूरी पॉजिटिविटी और इंक्रीज होने लगती है आपके घर में, आपके शरीर में, आपके थॉट्स में, हर चीज में। अब और एक बात, अब से कभी भी ये तो हमेशा के लिए, सिर्फ आज ही नहीं हमेशा के लिए बता रही हूँ, जब भी आपको कोई भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और स्पेशली आज के दिन, तो आपको क्या करना है, लॉन्ग ब्रीदिंग और ब्रीद आउट करना है। ऐसे सांसों को पहले लॉन्ग ब्रीदिंग करेंगे, यहाँ पे अपने चेस्ट में सांस को रोकेंगे, फिर ब्रीद आउट करेंगे। लॉन्ग ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट 5 times, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बस आप भरपूर मटके का पानी पीजिए, आप धूप काला है अभी, नहीं तो नॉर्मली वाटर तो कभी ठंडी मौसम में आप पी सकते हो, लेकिन जब हम गर्मी का मौसम है तो मटके का ही पानी पिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रिज के पानी को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। और हाँ, आप लोगों को कई दिनों से मुझे ये इंट्यूशन हो रहा है, लेकिन मैं समय आने तक के, वो होता है ना कि जब तक के 100% यूनिवर्स का मुझे पर फोर्स नहीं होता कि ये बताना है, तब तक के मैं बताती ही नहीं हूँ। तो अभी इतना ज्यादा फोर्स हो रहा था दो तीन दिन से, और आज तो इतना ज्यादा फोर्स हुआ कि आज तो बताना ही बताना है। मैंने निगलेक्ट किया इन चीजों को, सॉरी यूनिवर्स, कि मुझे लगा कि शायद ये मेरे थॉट्स है, लेकिन ये मेरा सच में इंट्यूशन था। जबकि मैंने क्लास में भी, जब हम लोग क्लास कर रहे थे 2 दिन पहले न्यू मून के वक्त, 11 तारीख को रात को ही हमने न्यू मून, जिन्होंने भी किया ना, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने उसी दिन आप लोगों को, परसों के दिन ही आपको बताया था फ्रेंड्स की करना है, क्योंकि उसकी तिथि जो कल
कल का दिन था, वो अमावस्या करके बताया जा रहा था न्यू मून, लेकिन वो ऑलरेडी 8 o'clock को फिनिश हो चुका था सुबह ही। रात के समय करना होता ना, कभी भी फुल मून या न्यू मून जो भी होता है रात के समय ही किया जाता है, 6 बजे 7 बजे के आसपास या फिर उससे ज्यादा भी, मतलब 6 बजे के बाद, मतलब रात के समय कभी भी करो। तो जो उससे संबंधित जो भी रिचुअल और जो भी मून से संबंधित जो भी रिचुअल और जो भी मेडिटेशन है वो रात को ही किया जाता है। तो रात के समय ही था 11 तारीख को, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ कि यूनिवर्स ने जाने अनजाने में मैंने कुछ बातें बोल दी थी, जाने अनजाने में मतलब मुझे इंट्यूशन तो कई दिनों से हो रहा है, ये मैं अपने क्लास में बताई। और फिर बाद में मुझे वो चीज और बार बार पॉप अप हो रही है कि ये बताओ हमारे सभी क्वीन जर्नी में सोल सिस्टर और ब्रदर्स को, तो ये क्या है? आपको पता है यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि कलेक्टिव एनर्जी में हम जो थॉट्स हम यूनिवर्स में भेज रहे हैं वही रिटर्न आ रहे हैं, समझ रहे हो? मतलब जितना ज्यादा अब कोरोना का जो डर कई लोगों को बैठ गया है ना, वो उतना ही ज्यादा मैनिफेस्ट हो रहा है और उतना ही ज्यादा बढ़ रहा है। जो इंसान की अगर ह्यूमिनिटी पावर मेरी स्ट्रांग है, जिसने अपने आप में स्ट्रांग फील कर लिया, उसको कुछ नहीं होगा। और जो वीक पर्सन है उसी के साथ में ये सारी चीजें होंगी कि कहीं मुझ पे अटैक ना कर दे। मतलब मेंटली अगर स्ट्रांग नहीं है तो वो बीमारी कोई भी हो सकती है। अभी मैं सिर्फ इसी के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, कोई भी प्रकार की कैंसर हो या कैंसर बड़े से बड़े जब चीजों से लड़ के जीत के बाहर निकल के आने वालों को भी हमने जाना है, पहचाना, हमने सुना है ना। तो ये समझ में ये आ रहा है कि आपको तो ह्यूमिनिटी पावर इंक्रीज करनी है एक्चुअल में सब लोगों को। और ह्यूमिनिटी पावर इंक्रीज करने के लिए सबसे पहली बात कि फ्रेंड्स हम तो प्राणायाम कर ही रहे हैं, योगा कर ही रहे हैं, मेडिटेशन कर ही रहे हैं, अपने खाने पीने का ध्यान रख ही रहे हैं, और जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो भी ले रहे हैं, मास्क पहनना और सैनिटाइजर लगाना, ठीक है, ये तो कर ही रहे हैं। तो क्या आप सब लोग स्ट्रांग हो? लेकिन क्या आपके आसपास लोगों को भी स्ट्रांग करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? जो भी है आप लोगों को स्ट्रांग लोगों को बनाना है, खुद को तो स्ट्रांग बनाना ही है, उसी के साथ साथ सब लोगों को भी स्ट्रांग बनाइए कि कलेक्टिव एनर्जी में आप इस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस बात को समझ जाइए फ्रेंड्स कि मैनिफेस्ट जब हर चीज में काम कर रही है और इस 11 दिन हमें बहुत अच्छे से पॉजिटिव थॉट्स ही रखने हैं, तो क्यों इस के बारे में यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि क्यों आप बार बार इसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कलेक्टिव एनर्जी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नॉर्मल सोल्स भी जो सोच रही है ना इस वक्त, नॉट ओनली हम ट्विन सोल्स तो सोचती है तो जल्दी से रिजल्ट आता है, अब कलेक्टिव एनर्जी में सारे लोग यही सोच रहे हैं, सारे लोग भयभीत हैं, तो वो भयभीत तो और ज्यादा बढ़ते जा रही है। और कोरोना भी उन्हीं लोगों को अटैक जरूर कर रही है और सब लोगों को भी अटैक कर रही है। ऑफकोर्स क्यों करेंगी ऐसा, क्यों नहीं कर सकती? अगर मैनिफेस्ट हर चीज में हो रही है तो क्या इस चीज में मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है? जाने अनजाने में हर इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है इस बीमारी को। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, आई थिंक सो फ्रेंड्स। मैं समझाने के लिए ऐसे थोड़ा सा कड़कली बोलती हूँ मतलब ऐसे बोलने का मेरा मीनिंग यही होता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझे, क्योंकि टीचर इसी प्रकार से बोल सकती है, आई थिंक मैं उसी प्रकार से बोलती हूँ आपको। तो हमारी जिम्मेदारी है फ्रेंड्स ये कि हमारे आसपास के लोगों को भी हम लोगों ने स्ट्रांग बनाना है, उनको भी मेंटली स्ट्रांग बनाना है, उनको भी अवेयरनेस करवाना है कि अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा बोलो, ठीक है, जो डर गया वो मर गया, कई बार हमने ये बात सुनी है ना। तो यहाँ पे भी मैनिफेस्टेशन हो रहा है, अंडरस्टूड? इसीलिए हम लोगों को अच्छा अच्छा सोचना है। क्या सोचोगे? नेगेटिव वर्ड्स बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि जार, ये नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए कि गया, मतलब क्या बोलेंगे,
नहीं है ऐसा वर्ड नहीं बोल सकते, मतलब ये वाली कोरोना वायरस नहीं है ऐसा बोलेंगे तो नहीं है तो नहीं वर्ड तो यूनिवर्स को समझ में नहीं आता, तो ये अफर्मेशन होता ही नहीं है, ये अफर्मेशन है ही नहीं, ये इसका अफर्मेशन है ही नहीं। अफर्मेशन ये है कि आप संपूर्ण आरोग्यवंत हो, ये बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि हम पूरी तरह से सुरक्षित है हर प्रकार से, हमारी पूरी पृथ्वी सुरक्षित है हर प्रकार से, पृथ्वी के सभी लोग सुरक्षित है हर प्रकार से, और स्ट्रांग इंटेंशन डाल के अपना प्रोटेक्शन शील्ड बनाइए, यूनिवर्स से प्रेयर करके अपना भी और अपने घर के सभी सदस्यों के लिए, अपने घर के लिए अपने ऑरा और स्ट्रांग रखिए। जितना अच्छा आप कर रहे हो ना ट्विंस, सच में आप करते रहिए, अपना ऑरा और स्ट्रांग रखिए। जैसे कि मैंने बताया था ऑरा स्ट्रांग कैसे रखते हैं, और कुछ एक्सरसाइज मैं अपने क्लास में भी बताती हूँ, आप लोगों को भी बता रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ यहाँ पे बताने की कुछ स्लाइड्स के द्वारा दो तीन एक्सरसाइज जो कि हमारी इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करते हैं। हम जब इम्यूनिटी पावर यही तो है, वैक्सीन में भी तो यही तो कर रहे हैं कि इम्यूनिटी पावर बढ़ा के बूस्टअप करने के लिए, तो यही बूस्टअप हम इस एक्सरसाइज के द्वारा भी करेंगे। और हमारी एक सोल सिस्टर है, मेरी क्लास मेरी स्टूडेंट है, जिन्होंने ये बना के दिया है मुझे, जो मैं अभी इमेजेस यहाँ पे लगा रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो जरूर आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे हम लोग इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज की कर सकते हैं और किस प्रकार से। तो यहाँ पे मैं दो तीन एक्सरसाइज बताने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो हम लोग क्लास में बहुत सारे एक्सरसाइज भी मैं थोड़े जो इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करे उस चीज को भी मैं बहुत अच्छे से आगे ले जा रही हूँ, और बहुत अच्छा रिजल्ट है। जैसे कि हाँ आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले का वीडियो फ्रेंड, तो बहुत अच्छा अनुभव है उनका, और इतने सारे क्लास में तो इतने सारे अनुभव है, वो तो सारी चीजें मैं आप लोगों से जरूर शेयर करने की कोशिश करती हूँ आगे आने वाले दिनों में। पहले भी कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या होता है ना कि फिर इधर उधर के काम और फिर अपना यही रह जाता है फिर वो वीडियो अपलोड करने का, क्योंकि इसीलिए तो आज सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला। तो मेरी एक अपनी फैमिली मेम्बर्स में से मेरी जो स्टूडेंट है, अपनी फैमिली मेंबर्स में मतलब अपने सोल फैमिली में जो अपनी मेरी एक स्टूडेंट है, उन्होंने अपने अनुभव बहुत अच्छे से शेयर किए थे, मुझे वीडियो बना के भेजा, इतना अच्छा उन्होंने उस पर काम किया है कि मैं सब लोगों को शेयर करूं, और सारे डिवाइन फेमिनिन जो इनबैलेंस है या डिवाइन मैस्कुलिन जो इनबैलेंस है, उन लोगों को बैलेंस होने के लिए मैं प्रोत्साहित करती हूँ, एक छोटा सा मैं पर्पस करती हूँ करके उन्होंने अपलोड किया। तो जरूर वो वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो जरूर देखिए कि उनके कितने अच्छे अनुभव हैं। तो आप ही अभी अभी ना मैं आप लोगों को एक्सरसाइज बताती हूँ, तो उसको ना अभी मैं ऐड करती हूँ उसमें, ठीक है। हमेशा खिलखिलाते रहो, हंसते रहो, खुश रहो, इमेजिन करो कि कितने खूबसूरत हो आप, और यूअर टीचर कैन ओपन द डोर, आपकी टीचर आपके लिए डोर ओपन कर सकती हूँ, बट यू मस्ट एंटर बाय यूअर सेल्फ, खुद से ही तो एंटर करना पड़ेगा आप लोगों को। और हाँ इस दिनों में ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है ऑफकोर्स, कि स्टे होम से सेफ रहो, हेल्दी रहो, ये सारी चीज़ें तो आपको करनी है, बट क्या इसके अलावा और कुछ करना है? हाँ इम्यूनिटी पावर इंक्रीज करना है, तो इम्यूनिटी पावर हम तो मेडिटेशन और प्राणायाम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और कुछ अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उनमें से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो अपने हाथ को मुट्ठी बांधो और दूसरे हाथ को पंच करो, जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा है, ओके। ऐसा 10 times आपको एक हाथ से दूसरे हाथ में पंच करना है, उसी प्रकार से फिर दूसरे हाथ में भी उसी प्रकार से आपको पंच करना है, ओके। ऐसा टेन टाइम्स आपको करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसा हमने पंच किया, ठीक है। उसके बाद में दूसरा एक्सरसाइज ये है कि आपको ताली बजानी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब
एक ताली बजाया हमने, ठीक है, इसमें बहुत सारा पावर होता है। हमारे हाथ में कई प्रकार के चक्रास होते हैं, कई प्रकार के पॉइंट्स होते हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करने में भी बहुत मदद करते हैं, बहुत प्रकार से हमारी मदद करते हैं। उसी प्रकार से हमारे जो पॉइंट्स है, उसी के बाद में और एक जैसे हमारा जो ये कलाई होता है उसको पकड़ के थोड़ा सा रफ करना। ये प्रैक्टिकली आपको मैं क्लास में सब लोगों को बताती हूँ और बहुत सारे एक्सरसाइज मैं बताई हूँ सब लोगों को बता रही हूँ। और हाँ ऐसे मतलब एक हाथ से जैसे कि फ़ोटो में आपको दिख रहा है कलाई को थोड़ा सा रफ़ करना, तो वो क्लास में ही हो सकता है, यहाँ पे वीडियो में वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं लाइव रह के उन लोगों को पढ़ाती हूँ, आप लोगों को पढ़ाती हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या होता है कि इन चीज़ों से हमें बहुत सारी इम्यूनिटी पावर इंक्रीज होती है। और ये जो फोटोज़ जिन्होंने बना के दिया, मेरी एक डिवाइन फेमिनिन, मेरी बहुत अच्छी प्यारी सी डिवाइन फेमिनिन सोल सिस्टर है जो मेरी स्टूडेंट है अभी, तो उन्होंने बोला कि मैम ये ना मैं ऐसे बना के देती हूँ आपको और आप प्लीज़ इन चीज़ों को इस प्रकार से एक्सप्लेन ज़रूर कीजिए सब लोगों को। तो हाँ मैंने बोला बहुत अच्छा थॉट आपने बहुत अच्छा रखा है, तो बिल्कुल ये हम लोगों को बाकी सब लोगों को पता होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा इंट्यूशन जो हो रहा था कि कोरोना की वजह से वो भी मिल गया, मतलब इस प्रकार से भी मुझे मैसेज मिल गया कि आप लोगों को इस प्रकार से इम्यूनिटी पावर इंक्रीज करनी है। तो ये मेन चीज़ें मैंने तीन चीज़ें बताई है, और कुछ एक्सरसाइज है जो हाथों से ही करने हैं, वो आए दिन अगर मेरा इससे पॉसिबल हुआ तो प्रैक्टिकली तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ऐसे ही फ़ोटोज़ और अगर वो बना के देते हैं मेरी सोल सिस्टर तो ऑफकोर्स मैं करूँगी, या फिर क्लास में तो मैं बताती ही हूँ आप सब लोगों को। तो बहुत ही अच्छा है, सब लोग ज़रूर करिए। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कर लिया एक दिन किया फिर छोड़ दिया, एक दिन से थोड़ी ना होने वाला, रेगुलर करना पड़ेगा फ्रेंड्स। आप लोगों को ये सारी चीज़ें रेगुलरली इनोवर्क करना ज़रूरी है, अपने इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज़ करना ज़रूरी है। और इसी के साथ में आप अपने फ्रेंड्स और अपने सभी साथियों को ज़रूर बताइए कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है तो उसके लिए क्या क्या करना है। सब चीज़ें नहीं कर सकते लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें तो कर ही सकते हैं, क्योंकि लगभग हमें 5 मिनट का भी टाइम, 5 मिनट भी नहीं लग रहे हैं हमें ये सारी चीज़ें करने के लिए। हाँ 5 मिनट भी नहीं लग रहे हैं, आधे मिनट में भी फास्ट फास्ट कर लो तो आधे मिनट में भी हो जाएगा आपका, है ना। ये तो 10 टाइम्स किया हमने एक एक चीज़ को, ठीक है लगभग। तो आप लोग खुद भी करो और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी सिखाओ कि इस प्रकार से हमारी इम्यूनिटी पावर इंक्रीज़ हो सकती है। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स, और बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताते रहूँगी। लव यू ऑल, लव यू सो मच, आई लव यू सो मच फ्रेंड्स।